को खुशबू मुबारक, फिज़ा को मौसम मुबारक, दिलों को प्यार मुबारक और आप सभी को गोरखपुर न्यूज़ परिवार की तरफ से बकरीद मुबारक। नमस्कार, गोरखपुर न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं फरीद अहमद। सबसे पहले हेडलाइन। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। सादगी के साथ मनाया गया ईद उल अजहा बकरीद का पर्व। शांतिपूर्ण तरीके से नमाज अदा कर एक दूसरे से गले मिलकर दी बकरीद की बधाई। कहा, अल्लाह का हुक्म है कुर्बानी, अल्लाह को खुश करने के लिए दी जाती है कुर्बानी। बकरीद की नमाज और कुर्बानी को सकुशल संपन्न कराने के लिए पूरी तरह से अलर्ट रही जिले की पुलिस। बकरीद का त्योहार सकुशल हुआ संपन्न। एसपी सिटी ने कहा, सभी के सहयोग से सकुशल संपन्न कराया गया बकरीद का पर्व। ईद उल अजहा बकरीद पर्व पर जनपद में ट्रैफिक विभाग द्वारा रूट का रहा डायवर्जन। रूट डायवर्जन का कड़ाई से करवाया गया पालन। डायवर्जन रूट के निर्धारित मार्ग पर ही गाड़ियों का हुआ संचालन। चार अप्रैल को लूट व अन्य घटनाओं में वांछित 25,000 के इनामी अभियुक्त को कैंट व सर्विलांस सेल की संयुक्त टीम ने किया गिरफ्तार। एक तमंचा, दो जिंदा कारतूस किया बरामद। एसपी सिटी ने किया खुलासा। दुष्कर्म के आरोप में वांछित एक अभियुक्त सूरज कुमार को शाहपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। सेवा भारती गोरक्ष प्रांत की प्रांतीय बैठक प्रांतीय उपाध्यक्ष विष्णु गोयल की अध्यक्षता में सकुशल हुई संपन्न। कहा, 2025 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूरे होंगे 100 साल। 2025 तक गोरक्ष प्रांत में 1,000 सेवा केंद्र खोलने का है लक्ष्य। और एक निजी संस्थान के द्वारा सिविल लाइन्स स्थित एक निजी हॉल में रक्तदान शिविर का किया गया आयोजन। नागरिकों ने अपनी स्वेच्छा से रक्तदान में बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा, किया रक्तदान। अब खबरें विस्तार से। इस्लाम धर्म का सबसे बड़ा त्योहार है ईद। ईद दो प्रकार की होती है, एक ईद उल जुहा और एक ईद उल फित्र। ईद उल फित्र मीठी ईद होती है, इसे रमज़ान की समाप्ति पर मनाया जाता है और ईद उल जुहा को बकरीद भी कहते हैं और इसे हज की समाप्ति पर मनाया जाता है। इस ईद को कुर्बानी देना सवाब का काम माना जाता है। इसके लिए अपने अजीज चीज़ की कुर्बानी देनी होती है। हज़रत मोहम्मद साहब का आदेश है कि कोई व्यक्ति जिस भी परिवार, समाज, शहर या मुल्क में रहने वाला है, उस व्यक्ति का फ़र्ज है कि वह उस देश, समाज, परिवार की हिफाजत के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार रहे। इसीलिए इस ईद को महत्वपूर्ण माना जाता है, इसे बड़ी ईद भी कहा जाता है। इस दिन इस्लाम से जुड़े हर बाहसियत शख्स को कुर्बानी देनी होती है। इस कुर्बानी के लिए बकरे का प्रचलन है। इस दिन अपने सबसे करीबी को कुर्बान करना पड़ता है क्योंकि इस दिन को कुर्बानी के रूप में मनाया जाता है। कुर्बानी का यह त्यौहार रमज़ान के 2 महीने बाद आता है। इस्लाम के 5 फ़र्ज माने गए हैं, हज उनमें सबसे आखिरी फ़र्ज माना जाता है। मुसलमानों के लिए ज़िंदगी में एक बार हज करना ज़रूरी है। हज होने की खुशी में ईद उल ज़ुहा का त्यौहार मनाया जाता है। यह बलिदान का त्यौहार भी है। खुदा ने हज़रत इब्राहिम का इम्तिहान लेने के लिए आदेश दिया था कि वे हज़रत से तभी प्रसन्न होंगे जब वे अपने सबसे अजीज़ चीज़ को खुदा के सामने कुर्बान कर देंगे। तब हज़रत इब्राहिम ने कुर्बानी देने का फ़ैसला किया। तब हर शख्स सोचने लगा कि अब हज़रत इब्राहिम किसकी कुर्बानी देंगे। जब सबको पता चला कि उनके लिए उनका बेटा सबसे अजीज़ है, इस बात का पता लगने पर वे सन्न हो गए। पर अपने बेटे की कुर्बानी देना हज़रत इब्राहिम के लिए आसान नहीं था। इसी कारण उन्होंने अपनी आँख पर पट्टी बांधकर अपने बेटे की कुर्बानी दी थी। तो खुदा के आदेश से छुरी के नीचे एक दुम्बा आ गया और खुदा ने उनके अजीज़ बेटे हज़रत इस्माइल को बचा लिया। उनके इस जज्बे को सलाम करने का त्यौहार है ईद उज़ुहा। ईद के इस दिन इन्हें इस प्रकार की कुर्बानी देनी होती है जो इनको अधिक प्रिय हो, इनके साथ उसका भावनात्मक संबंध हो। इस कुर्बानी को इस्लाम धर्म में ज़रूरी बताया जाता है। यह इनके धर्म का हिस्सा है जो इन्हें पूरा करना पड़ता है। इसलिए एक बकरे को पालते हैं, दिन रात उसका ख्याल रखते हैं। इस कारण से उस बकरे से इनकी भावनाएं जुड़ जाती हैं तथा उस बकरे का इनके साथ एक गहरा नाता जुड़ जाता है। फिर ईद उज़ुहा अर्थात बकरीद के दिन उसकी कुर्बानी दी जाती है। ईद उज़ुहा में भी गरीबों,
और मजलूमों का खास ख्याल रखा जाता है। इसी मकसद से ईदुज़ुहा के सामान यानी कि कुर्बानी के सामान के तीन हिस्से किए जाते हैं। एक हिस्सा खुद के लिए रखा जाता है, बाकी दो हिस्से समाज में ज़रूरतमंदों में बांटने के लिए होते हैं, जिसे तुरंत बांट भी दिया जाता है। इस्लाम में प्रत्येक बहैसियत व्यक्ति को हज पर जाना अनिवार्य है। हज उनकी ज़िंदगी का सबसे ज़रूरी भाग माना गया है, क्योंकि बकरीद की कुर्बानी को हज की समाप्ति पर दी जाती है। हज पर जाने के लिए सभी कर्ज उतारना पड़ता है। इस्लाम व्यक्ति को अपने परिवार, अपने समाज के सभी दायित्वों को पूरी तरह निभाने पर जोर देता है। जनपद में ईदुज़ुहा बकरीद का पर्व सादगी के साथ मनाया गया। इस दौरान नमाजियों ने जनपद के अलग अलग मस्जिदों में बकरीद की शांतिपूर्ण तरीके से नमाज अदा की तथा नमाज अदा करने के बाद एक दूसरे से गले मिलकर बकरीद की बधाई दी। आपको बता दें कि सुबह से ही बकरीद पर नमाजियों में जोश दिखा। बच्चे, जवान और बुज़ुर्ग ईद की नमाज अदा करने के लिए गुस्ल कर, नए कपड़े और इत्र लगाकर तकबीर तहरीक पढ़ते हुए मस्जिदों पर पहुँचे, जिसके संबंध में घंटाघर स्थित जामा मस्जिद के इमाम अब्दुल्ला ने बताया कि ईद और बकरीद मुसलमानों का त्यौहार है। बकरीद में कुर्बानी की जाती है। कुर्बानी अल्लाह का हुक्म है कि जो लोग मालदार हैं वो अल्लाह के नाम पर कुर्बानी करें। अल्लाह को खुश करने के लिए यह कुर्बानी दी जाती है। कुर्बानी के समय जानवर को ज़बह ऐसे किया जाए कि कम से कम उनको तकलीफ़ हो। उन्होंने कहा कि जैसे जानवर हमारे सामने अपनी गर्दन झुका देता है ज़बह होने के लिए, वैसे ही हमें भी अल्लाह के सामने अपनी गर्दन को झुका देना चाहिए। उन्होंने शहरवासियों से अपील करते हुए कहा कि जो इस्लाम का तरीका है उस तरीके पर मुसलमान अमल करें तो दूसरों को भी इस्लाम में आने का समझने का मौका मिलेगा कि इस्लाम बहुत ही साफ सुथरा मजहब है। इस्लाम यही सिखाता है कि हमारे जैसे किसी को तकलीफ ना हो, ऐसा काम ना करें जिसकी वजह से हमारे आस पड़ोस में रहने वाले या राहगीर को किसी प्रकार की तकलीफ हो। उन्होंने कहा कि खुली जगह पर जानवर को ज़बह न करें। वहीं नमाजियों ने बताया कि नमाज अदा करने के बाद गले मिलकर मिठाई खिलाया जाता है तथा इस त्यौहार पर कुर्बानी देने का काम किया जाता है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए नमाज अदा करने आए नमाजी जावेद अख्तर, आफ्ताब अहमद और मुबारक खां शहीद दरगाह के मौलाना फैज़ुल्लाह एवं जामा मस्जिद के मौलाना अब्दुल्ला ने कहा के बाद अल्लाहु अकबर يرفع إبراهيم النائم إنك أنت السميع العليم ربنا وابعث فيهم رسولا آياتك ويعلمهم الكتاب السلام عليكم ورحمة الله
जावेद अख्तर। बकरीद आज के दिन नमाज के अदा होने के बाद अब घर पे जाएंगे तो कुर्बानी होगी, उसके बाद दावत होगी, मेहमान नवाजी होगी, ये सब होगे, लोग आएंगे, मिलेंगे सबसे, ये सब होगा आज के दिन। पूरे दिन पूरा 3 दिन तक चलता रहेगा ये प्रोग्राम पूरा। हमने नमाज में दुआ मांगी, पूरे देश के लिए अन्न अम्मान के लिए दुआ की गई है अभी, कि शांति बनी रहे मुल्क में, तरक्की हो, सब कुछ हो, विकास हो। इस पर आफ्ताब अहमद। आज ईद उल अजहा का त्यौहार गोरखपुर में नहीं पूरे देश में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। ये त्यौहार आपसी भाईचारा का त्यौहार है, मोहब्बत का त्यौहार है, एक दूसरे से मिलजुल कर पूरे हिंदुस्तान में लोग मना रहे हैं। ये आज के दिन कुर्बानी दी जाती है, परंपरा यही चलती आई है, इसीलिए त्यौहार हम लोग मनाने का काम किया जा रहा है। आज के दिन हम लोग एक दूसरे से गले मिलकर एक दूसरे को बधाइयाँ भी देने का काम किया जा रहा है, इसीलिए ये त्यौहार आज हम लोग मुबारक खां सहित स्थित दरगाह के बगल में यहाँ पर हम लोग नमाज अदा किया गया, और छोटे छोटे बच्चे तैयार होकर यहाँ पर आते हैं, और ये आज के दिन सेवैयाँ भी बनती है, एक दूसरे के मुँह मीठा भी किया जाता है, ये त्यौहार इसलिए मनाने का काम किया। आज के दिन मेन त्यौहार यही है कि कुर्बानी देने का काम किया जाता है। आज ईद उल अजहा है, सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम की यादगार है। जैसा कि सहाबा ने अर्ज़ किया हुजूर की बारगाह में, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मा हाज़ही लज़ाही
ये कुर्बानी क्या है, तो आपने फरमाया सुन्नत अबीकुम इब्राहिम, तुम्हारे बाप सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर हमारे आका सरकार मदीना ने भी अमल किया, इसलिए आपकी यादगार को हम लोग मनाते हैं। और आपने तो बहरहाल बेटे को लेटा दिया लेकिन दुम्बा आ गया, अल्लाह ने बेटे को बचा लिया, इसीलिए हम लोग आपकी यादगार को कायम रखने के लिए जानवरों की, जायज़ जानवरों की कुर्बानी पेश करते हैं। उमालबला, मेरा नाम अब्दुल्ला है और मेरे वालिद का नाम मुफ्ती मोहम्मद अब्दुर्रहमान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बकरीद का दिन है। ईद और बकरीद ये मुसलमानों का दो त्यौहार है। बकरीद में कुर्बानी की जाती है। कुर्बानी ये अल्लाह का हुक्म है कि जो मालदार लोग हैं वो अल्लाह के नाम पर कुर्बानी करें। और कुर्बानी ये क़ुरबान से निकला है और क़ुरबान ये क़ुर्ब से निकला है। मतलब ये है कि क़ुरबानी इसलिए की जाती है ताकि अल्लाह का क़ुर्ब हासिल हो, अल्लाह का तकर्रुब हासिल हो, अल्लाह की नज़दीकी हासिल हो, अल्लाह की खुशनूदी हासिल हो। तो अल्लाह को खुश करने के लिए क़ुरबानी की जाती है। चूँकि अल्लाह का हुक्म है इसलिए क़ुरबानी की जाती है। और क़ुरबानी में जो जानवर को ज़बह किया जाता है उसके बारे में भी इस्लाम ये कहता है कि ऐसे तरीक़े से ज़बह करो कि जानवर को कम से कम तकलीफ़ हो। तो जो इस्लाम का तरीक़ा है ज़बह करने का, उससे कम तकलीफ़ दे कोई तरीक़ा हो ही नहीं सकता। यानी जिस तरीक़े से इस्लाम कहता है ज़बह करने को, उस तरीक़े से अगर जानवर को ज़बह करेंगे तो जानवर को बहुत कम तकलीफ़ होगी। बाकी उसके अलावा कोई भी तरीक़ा है, चाहे वो झटके का हो, चाहे उसको बेहोश करके किया जाए, चाहे करंट लगा के किया जाए, इन सब तरीक़ों में जानवर को तकलीफ़ ज़्यादा होती है बनिस्बत ज़बह करने के। ज़बह करने में सबसे कम तकलीफ़ होती है और ज़बह करने की वजह से उसका जो ख़राब खून है वो भी निकल जाता है। तो गोश्त जो है इंसान के लिए सेहतमंद होता है, मुज़िर नहीं होता, नुकसानदेह नहीं होता। और ख़ास तौर से क़ुरबानी से हमें यह पैगाम लेना चाहिए कि अपने जज्बात को, अपने गलत ख्वाहिशात को अल्लाह के हुक्म पर क़ुरबान करने का हमें मिजाज बनाना चाहिए कि हम गलत अपने ख्वाहिशात को और नाजायज़ ख्वाहिशात को अल्लाह के नाम पर क़ुरबान कर दें और अल्लाह के हुक्म को माने और अल्लाह की फरमाबरदारी करें। जैसे जानवर हमारे सामने सर झुका देता है, अपनी गर्दन झुका देता है ज़बह होने के लिए, ऐसे ही हमें भी अल्लाह के हुक्म के सामने अपनी गर्दन को झुका देना चाहिए। नमाज अदा करने के बाद लोग क्या करते हैं? नमाज अदा करने के बाद ही कुर्बानी की जाती है। कुर्बानी का असल वक्त जो है वो दसवीं ज़िलहिज्जा की सुबह सादिक से शुरू होता है और बारहवीं ज़िलहिज्जा की असर, बारहवीं ज़िलहिज्जा की ग़ुरूब आफ्ताब तक रहता है। चाहे दिन में करें चाहे रात में करें, लेकिन शहर वालों के लिए ज़रूरी है कि पूरे शहर में कहीं एक जगह नमाज हो जाए ईद की, उसके बाद कुर्बानी करें। उससे पहले अगर कुर्बानी करेंगे तो दुरुस्त नहीं होगा। तो इसलिए ईद के बाद ही कुर्बानी की जाती है। ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद मुसलमान जाते हैं और कुर्बानी करते हैं। शहर के लोगों को मैं यही पैगाम देना चाहता हूं और उनसे यही कहना चाहता हूं कि अगर मुसलमान जो इस्लाम का तरीक़ा है उस तरीक़े पर अमल करें तो दूसरों को भी इस्लाम में आने का मौका मिलेगा, इस्लाम को समझने का मौका मिलेगा और इस्लाम के बारे में सोचने का मौका मिलेगा। इसलिए कि इस्लाम बहुत अच्छा मज़हब है, बहुत साफ़ सुथरा मज़हब है। इस्लाम हमें ये सिखाता है कि हमारी ज़ात से किसी को तकलीफ़ ना हो। तो हम कोई ऐसा काम ना करें जिसकी वजह से हमारे अड़ोस पड़ोस में रहने वाले या राहगीर जो रास्ते में चलते हैं आने जाने वाले लोगों को हमारी वजह से किसी को कोई तकलीफ़ हो। ऐसा कोई काम ना करें, कोई गंदगी रास्ते में ना फेंकें, कोई गलाजत रास्ते में ना फेंकें, खुली जगहों पर जानवर को ज़बह ना करें बल्कि बंद जगह पर और जहाँ इजाज़त पहले से मिली हुई है ऐसी जगहों पर, आम जगहों पर कुर्बानी ना करें, आम जगहों पर जानवर को ज़बह ना करें। दूसरों को देख के तकलीफ़ होगी, तो दूसरों को तकलीफ़ से बचाने के लिए बंद जगहों पर कुर्बानी को करें और गलाजत से और इन सारी चीज़ों से इसका ख्याल करें कि गलाजत जो है ऐसी जगह ना फेंकें कि जिससे दूसरों को तकलीफ़ हो। जनपद पुलिस बकरीद की नमाज और कुर्बानी को सकुशल संपन्न कराने के लिए
पूरी तरह से अलर्ट रही। आपको बता दें कि सुबह 5 बजे ही सुरक्षा में सुबह से ही सभी मस्जिदों के बाहर भारी फोर्स तैनात रही। पुलिस की तैयारियों की वजह से बकरीद का त्यौहार सकुशल संपन्न हुआ, जिसके संबंध में एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने बताया कि जनपद में ईद उल अजहा की नमाज शांतिपूर्वक संपन्न हुई, जिसमें पीएससी, लोकल पुलिस, ड्रोन तथा सभी प्रकार के पुलिस बल के द्वारा नमाज को सकुशल संपन्न कराया गया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा, फोटो खींच कूदने जनपद गोरखपुर में ईद उल अजहा की नमाज आज शांतिपूर्वक संपन्न हुई। इसमें एसएसबी, पीएसी, लोकल पुलिस, ड्रोन, अमाउंटेड पुलिस, सभी प्रकार की पुलिस बल के द्वारा सकुशल नमाज संपन्न कराई गई। थैंक यू। जनपद में ईद उल अजहा बकरीद पर्व के दृष्टिगत रूट डायवर्जन किया गया था। इस दौरान ट्रैफिक विभाग द्वारा 10 जुलाई को सुबह 6 बजे से 12 बजे तक सभी रूट डायवर्जन किया गया था, जिसको देखते हुए जामा मस्जिद घंटाघर की तरफ जाने वाले रास्ते को नमाज के शुरू होने से खत्म होने तक सभी वाहनों को प्रतिबंधित किया गया था। अलहदादपुर की तरफ से घंटाघर की तरफ रायगंज होते हुए सभी प्रकार के वाहन को प्रतिबंधित किया गया था तथा नॉर्मल टैक्सी स्टैंड से घंटाघर के मार्ग पर जाने वाले सभी प्रकार के वाहन को भी प्रतिबंधित किया गया था। इसके अलावा टीपी नगर तिराहा से नॉर्मल टैक्सी स्टैंड से तुर्कमानपुर घंटाघर घोष कंपनी की तरफ जाने वाले वाहन को प्रतिबंधित किया गया था, जिसकी वजह से नमाज सकुशल संपन्न हुआ और रूट डायवर्जन का भी कड़ाई से पालन करवाया गया। पुलिस व सर्विलांस सेल की संयुक्त टीम ने लूट व डकैती में वांछित 25,000 के इनामी अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त को हीरापुर कॉलोनी के पास से रेलवे रोडवेज चौराहा से गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान सुनील उर्फ बहादुर पुत्र स्वर्गीय श्रीराम निवासी मोहरीपुर थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है, जिसके पास से एक तमंचा, 2 जिंदा कारतूस बरामद किया गया है, जो कि विगत काफी दिनों से फरार चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी के लिए एसएसपी द्वारा 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। इसने अपने अन्य नामित साथियों के साथ मिलकर
पेशेवर तरीके से लूट व डकैती की घटनाएं कारित की हैं। उन्होंने बताया कि 4 अप्रैल को शैलेंद्र कुमार मिश्र पुत्र नमेंद्र मिश्र निवासी रुस्तमपुर थाना कैन जनपद गोरखपुर के द्वारा अपने कुछ जानने वाले लोगों से कुल 4,60,000 रुपया बलदेव प्लाजा से उधार लेकर अपने घर रुस्तमपुर जाने के लिए निकले थे कि समय करीब शाम 7 बजे के आसपास रुस्तमपुर स्थित उनके घर के पास से 2 मोटरसाइकिलों पर सवार कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उसे जबरन रोककर उसके हाथ से पैसों वाला बैग छीनकर फरार हो गए थे, जिसके संबंध में आवेदक की सूचना पर थाना स्थानीय पर मुकदमा दर्ज किया गया था। उन्होंने बताया कि अपराधी सुनील चौहान उपरोक्त का एक संगठित गिरोह है जो नेपाल राष्ट्र में कारोबारियों व्यापारियों की रैकी कर उनके साथ लूट एवं डकैती जैसे संगीन अपराध कारित करते हैं। इस गैंग के द्वारा पूर्व की कई घटनाओं में हत्या तक की गई है। इस तरह के जघन्य अपराधों में इनमें कुछ साथियों द्वारा कारोबारियों व्यापारियों के आने जाने की मुखबिरी रैकी की जाती है तथा संयुक्त रूप से इस गैंग द्वारा अवैध असलहों से लैस होकर रास्ते में ही आने जाने वाले कारोबारियों व्यापारियों से लूट व डकैती जैसी जघन्य घटनाओं को अंजाम दिया जाता है, जिसको देखते हुए रैकी व मुखबिरी करने वाले अन्य अपराधियों के विषय में पुलिस द्वारा जानकारी का प्रयास जारी है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में कैंट थाना प्रभारी शशिभूषण राय, रेलवे चौकी प्रभारी अरुण कुमार सिंह, सर्विलांस सेल प्रभारी राजेंद्र सिंह, हेड कांस्टेबल मोहसिन खान, धीरज सिंह, अरुण कुमार यादव, अरुण राय शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा। गोरखपुर में अपराध एवं अपराधियों पर पूर्णतः अंकुश लगाने के क्रम में आज थाना कैंट एवं सर्विलांस सेल द्वारा एक बहुत अच्छी सफलता प्राप्त की है, जिसमें एक 25,000 के इनामी जो लूट एवं डकैती के जैसे संगीन अपराधों में यहां से मफरूर चल रहा था, उसका नाम सुनील उर्फ बहादुर है। ये मोहरीपुर थाना चिलौताल का रहने वाला है। ये लोग एक ऐसे संगठित गिरोह के सदस्य हैं जो नेपाल में रेकी करते हैं व्यापारियों की, एवं नेपाल से जब व्यक्ति गोरखपुर या अगल बगल के जनपद में आता है तब उनकी रेकी कर उनसे लूट और डकैती का प्रयास करते हैं। इस अपराधी पर 10 मुकदमे हत्या के प्रयास एवं लूट एवं डकैती के दर्ज हैं। गोरखपुर में इन्होंने थाना रामगढ़ ताल में कैंट के बॉर्डर पर रुस्तमपुर में एक लूट की घटना इसी साल की थी, जो कि बाद में डकैती में तरमीम हुई एवं 4,60,000 की लूट थी एवं उसमें ये भी व्यक्ति सम्मिलित था। उसी पे ही 25,000 रुपये का इनाम था और इसके लिए थाना कैंट एवं सर्विलांस टीम बधाई के पात्र है। कुछ अन्य लोगों के नाम भी प्रकाश में आए हैं एवं थाना कैंट एवं सर्विलांस की टीम उन लोगों की धरपकड़ में भी प्रयास कर रही है। कुछ लोग हैं जो अभी नेपाल में हैं एवं उनका समय रहते पुलिस द्वारा उनको भी पकड़ा जाए। ये 25,000 का इनामिया था एवं इसके कुछ साथी और हैं, वो भी 25,000 के नामी, उनकी भी उनको भी पकड़ा जाएगा। थाना कैंट एवं सर्विलांस टीम बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं इसके। अभी तक प्रकाश में 4 लूट एवं डकैती की घटनाएं प्रकाश में आई हैं एवं इस पर कुल 10 मुकदमे दर्ज हैं जो हत्या के प्रयास एवं लूट एवं डकैती के हैं। नहीं, मूलतः वो भारतीय मूल के ही लोग थे एवं भारतीय मूल के लोगों के साथ ही इस तरह की घटनाएं करते थे। लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक में जाने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। सादगी के साथ मनाया गया ईद उल अजहा बकरीद का पर्व। शांतिपूर्ण तरीके से नमाज अदा कर एक दूसरे से गले मिलकर दी बकरीद की बधाई। कहा, अल्लाह का हुक्म है कुर्बानी, अल्लाह को खुश करने के लिए दी जाती है कुर्बानी। बकरीद की नमाज और कुर्बानी को सकुशल संपन्न कराने के लिए पूरी तरह से अलर्ट रही जिले की पुलिस। बकरीद का त्योहार सकुशल हुआ संपन्न। एसपी सिटी ने कहा, सभी के सहयोग से सकुशल संपन्न कराया गया बकरीद का पर्व।
ईद उल अजहा बकरीद पर्व पर जनपद में ट्रैफिक विभाग द्वारा रूट का रहा डायवर्जन, रूट डायवर्जन का कड़ाई से करवाया गया पालन, डायवर्जन रूट के निर्धारित मार्ग पर ही गाड़ियों का हुआ संचालन। चार अप्रैल को लूट व अन्य घटनाओं में वांछित 25,000 के इनामी अभियुक्त को कैंट व सर्विलांस सेल की संयुक्त टीम ने किया गिरफ्तार। एक तमंचा, दो जिंदा कारतूस किया बरामद, एसपी सिटी ने किया खुलासा। दुष्कर्म के आरोप में वांछित एक अभियुक्त सूरज कुमार को शाहपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। सेवा भारती गोरक्ष प्रांत की प्रांतीय बैठक प्रांतीय उपाध्यक्ष विष्णु गोयल की अध्यक्षता में सकुशल हुई संपन्न। कहा 2025 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूरे होंगे 100 साल। 2025 तक गोरक्ष प्रांत में 1,000 सेवा केंद्र खोलने का है लक्ष्य। और एक निजी संस्थान के द्वारा सिविल लाइन्स स्थित एक निजी हॉल में रक्तदान शिविर का किया गया आयोजन। नागरिकों ने अपनी स्वेच्छा से रक्तदान में बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा, किया रक्तदान। पेगस निशान, गोरखपुर का एकमात्र निशान डस्टन का एक्सक्लूसिव शोरूम और वर्कशॉप। जी हाँ, सही सुना आपने। जिन गाड़ियों के खरीदने के लिए या सर्विसिंग के लिए आपको गोरखपुर से बाहर जाना पड़ता था, अब पेगस निशान लाए हैं ये सारी सुविधाएं एक ही छत के नीचे। पेगस निशान सेल सर्विसेज एंड स्पेयर्स, भारत पेट्रोलियम के अपोजिट, नौसर गोरखपुर। हमारी तरफ से विशेष ऑफर, निशान डस्टन गाड़ी की खरीद पर फ्री इंश्योरेंस, कंडीशंस अप्लाई। रॉयल लोगों की रॉयल पसंद, रेड रॉयल चाय। मटको मंगलम टावर गोलघर के यहाँ कपड़े खरीदे भी, सिलवाए भी और ड्राईक्लीन भी करवाए। दो की ड्राईक्लीन पर एक कपड़ा मुफ्त। फ्री होम डिलीवरी और पिकअप के लिए कॉल करें 9044663300। यो कलर चॉइस ना वेरी बोरिंग। ह्यूज बाय हेडवेयर इटालियन कलेक्शन पूरे बाथरूम का लुक ही लिफ्ट कर देता है। व्हाट्स इट, यू लाइक इट चीकू? डॉगी को क्या पता कलर के बारे में? इट्स मैग्निफिसेंट एंड इट आल्सो कम्स इन गोल्ड एंड क्रोम ब्लैक एंड बाय द वे इट्स चीकू नॉट डॉगी। प्रेजेंटिंग ह्यूज बाय हेडवेयर इटालियन कलेक्शन, स्टनिंग कलर फॉसेट्स विद लॉन्ग लास्टिंग फिनिश दैट्स नोटिस्ड बाय एवरीवन। हेडवेयर इटालियन कलेक्शन। ISL इंस्टीट्यूट फॉर सिंपलीफाइड लर्निंग दिल्ली के वेल क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस टीचर्स द्वारा संचालित ISL इंस्टीट्यूट फॉर सिंपलीफाइड लर्निंग, खजांची चौक,
near Sports College, Gorakhpur. Special concession in fee for EWS and BPL category students. अधिक जानकारी के लिए हमारे इन दो मोबाइल नंबरों पर संपर्क कीजिए 8853596 46. दूसरा मोबाइल नंबर है 7905844992. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। शाहपुर पुलिस ने दुष्कर्म के आरोप में वांछित एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में शाहपुर थाना प्रभारी रणधीर कुमार मिश्रा ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त को स्पोर्ट्स कॉलेज चौराहे के पास से गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान सूरज कुमार पुत्र दिलीप कुमार निवासी जंगल कौड़िया लक्ष्मीपुर थाना पीपीगंज जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है। शाहपुर थाना प्रभारी ने बताया कि अभियुक्त बीते कई महीनों से वांछित चल रहा था, जिसको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में शाहपुर थाना प्रभारी रणधीर कुमार मिश्रा, उप निरीक्षक संजीव कुमार, कांस्टेबल अखिलेश कुमार, हेड कांस्टेबल राघवेंद्र सिंह शामिल रहे। सेवा भारती गोरक्ष प्रांत की प्रांतीय बैठक प्रांतीय उपाध्यक्ष विष्णु गोयल की अध्यक्षता में एक निजी हॉल में सकुशल संपन्न हुई, जिसके संबंध में सेवा भारतीय गोरक्ष प्रांत के सचिव प्रोफेसर आलोक श्रीवास्तव ने बताया कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ जो सेवा का कार्य करती है उस पर चर्चा की जा रही है। गोरक्ष प्रांत के सभी 21 जिलों के सदस्य मौजूद हैं। उन्होंने कहा, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का निर्माण 1925 में हुआ था, जिसका 2025 में 100 साल पूरा हो जाएगा। 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में गोरक्ष प्रांत में 1000 सेवा केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे ज्यादा से ज्यादा सेवा के कार्य हो सके। इसके अलावा सेवा भारती की पत्रिका सेवा जागृति का विमोचन भी हुआ है, जिससे पत्रिका लोगों के बीच पहुंचे और सेवा भारती क्या कार्य कर रही है सभी लोगों को पता चल सके और लोग प्रेरित होकर सेवा के कार्य में भाग ले सके। इस अवसर पर गोरक्ष प्रांत सेवा प्रमुख रविशंकर, प्रांतीय महामंत्री नरेंद्र देव शुक्ल, मंत्री आलोक श्रीवास्तव सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सेवा भारती गोरक्ष प्रांत के सचिव प्रोफेसर आलोक श्रीवास्तव ने कहा, अभी तक उनको कोई नागरिकता नहीं थी, उनको कोई सुविधा नहीं थी, राजस्व ग्राम भी उनके नहीं थे। अभी जब से योगी जी मुख्यमंत्री पहले बने थे, उसी तरह सबसे पहले घोषणा उन्होंने भत्ता नियम के लिए की थी। अब राजस्व ग्राम बनने के कारण बाकी सुविधाएं होनी चालू हुई है, ऐसी सारी स्थिति है। आज भी सेवा की उनको आवश्यकता है, इसलिए सेवा वहां करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। ग्रामों में भी बहुत बड़ी आवश्यकता है, बहुत ऐसे ग्राम है जहाँ सरकार के बिल्कुल सेवा बस्ती वाले लोग रहते हैं, दुर्बल वंचित पीड़ित उपेक्षित समाज के लोग रहते हैं, वहां भी उनको संस्कार की जरूरत है। करने वाले लोग पत्थर तोड़ने वाले लोग भी हैं, बीच बीच में स्थान स्थान लोग रहते हैं, बांस से संबंधित काम करने वाले लोग भी हैं, उनके बीच में काम करने की आवश्यकता है। इसी प्रकार से एक बहुत बड़ा समाज है, भाषाओं का विभोगशाली भारत बनाना है, स्वावलंबी भारत बने, रोजगार से जुड़ना चाहिए सारे अपने समाज को। और मैं प्रांत सचिव सेवा भारती गोरक्ष प्रांत प्रोफेसर आलोक श्रीवास्तव, ये बैठक राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की सेवा भारती विभाग, सेवा विभाग में सेवा भारती गोरक्ष प्रांत के बैठक है। इस बैठक में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ जो सेवा का कार्य करती है, आगे हम उस सेवा कार्य के उद्देश्य और ऑब्जेक्टिव पे यहाँ चर्चा करने के लिए हमारे पूरे प्रांत गोरक्ष प्रांत जिसमें 21 जिले हैं संघ की दृष्टि से, वो सभी लोग यहाँ एकत्र हुए हैं। इस का आयोजन इसलिए किया गया है कि संघ का जो राष्ट्रीय स्वयं संघ का निर्माण हुआ था 1925 में हुआ था और 2025 में 100 साल पूरे होने जा रहे हैं, तो उस 100 साल पूरे होने पे हमारे सेवा के कार्य गोरक्ष प्रांत में हमको 1000 सेवा केंद्र खोलने का लक्ष्य निर्धारित हम लोग कर रहे हैं कि सेवा केंद्र खोलेंगे। यहाँ वैसे तो सेवा के काम राष्ट्रीय सेवा संघ और सेवा भारती द्वारा किए जा रहे हैं,
लेकिन उसको और गतिमान बनाना और अच्छे से करना उस उद्देश्य पे चर्चा हुई है। यहाँ सेवा भारती की एक पत्रिका सेवा जागृति का विमोचन भी हुआ है। इस पत्रिका का उद्देश्य कि समाज में लोगों के पास ये पत्रिका पहुँचे और सेवा भारती क्या काम कर रही है, कितने प्रकल्प हैं, कैसे हम लोग का कार्य होता है समाज के लिए, कैसे समाज का उत्थान हो रहा है, उसके बारे में इस पत्रिका में लिखा हुआ है, जिससे लोग प्रेरित हो और सेवा का कार्य कर सके। यहाँ पे आज श्रीमान नवल जी क्षेत्र सेवा प्रमुख पूर्वी उत्तर प्रदेश उद्बोधन दे रहे हैं और सभी प्रांत 21 जिले से हुए प्रांत के सभी सदस्यों का मार्गदर्शन कर रहे हैं, जिसकी अध्यक्षता श्री विष्णु गोयल जी कर रहे हैं जो हमारे प्रांत के उपाध्यक्ष हैं। हमारे अतुल सर्राफ जी आज जो प्रांत के अध्यक्ष हैं वह आ नहीं सके, किसी दुर्घटना उनके परिवार में हो गई है। बाकी कार्य हम लोगों का काफ़ी अच्छा चल रहा है। यहाँ नानाजी देशमुख एक प्रकल्प है जो सेवा भारती का, वो बहुत यशस्वी प्रकल्प चल रहा है, उसमें हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं। आज तक करीब करीब 50 लोग ट्रेनिंग प्राप्त कर चुके हैं जो खुद स्वावलंबन का काम कर रहे हैं, अपने अपने केंद्र खोल के अपने अपने जीविका का यापन कर रहे हैं। जनपद में एक निजी संस्थान के द्वारा सिविल लाइन्स स्थित एक निजी हॉल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान रक्तदान शिविर में नागरिकों ने अपनी स्वेच्छा से भाग लिया और रक्तदान किया, जिसके संबंध में संस्थान की संस्थापक सीमा छापड़िया ने बताया कि रक्त हम लोग खरीद नहीं सकते, रक्त देने से ही रक्त मिलता है, इसलिए हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से आग्रह करते हैं कि रक्तदान करें और यह शिविर साल में 2 बार लगाते हैं और लोग अपनी स्वेच्छा से आकर रक्तदान करते हैं। उन्होंने कहा कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि रक्तदान नहीं करते हैं क्योंकि लोग सोचते हैं कि रक्तदान से कमजोरी होती है, जबकि रक्तदान से किसी तरह की कमजोरी नहीं होती है। एक व्यक्ति के रक्त से 3 लोगों के जीवन को बचाया जा सकता है और 30 दिन में रक्त भी बन जाता है। इस अवसर पर GDA के सचिव उदय प्रताप सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए संस्थान की संस्थापक सीमा छापड़िया ने कहा, सीमा छापड़िया। हमारा उद्देश्य ये है कि ब्लड हम खरीद नहीं सकते, ब्लड देने पे ही हमें मिलता है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मोटिवेट करते हैं कि आप लोग ब्लड डोनेट करें और हम साल में 1 कभी कभी 2 बार भी इसका शिविर लगाते हैं। कितने लोगों का लक्ष्य? हमारा लक्ष्य 101 का है।
और हमें पूरा विश्वास है कि हम ये लक्ष्य पूरा करेंगे और 100 से ज़्यादा लोगों ने नॉमिनेट भी कर दिया है और हम बहुत उत्साहित हैं। पूरा माहौल बना हुआ है और बहुत अच्छे से ये शिविर चल रहा है। आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सहप्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। सादगी के साथ मनाया गया ईद उल अजहा बकरीद का पर्व। शांतिपूर्ण तरीके से नमाज अदा कर एक दूसरे से गले मिलकर दी बकरीद की बधाई। कहा, अल्लाह का हुक्म है कुर्बानी, अल्लाह को खुश करने के लिए दी जाती है कुर्बानी। बकरीद की नमाज और कुर्बानी को सकुशल संपन्न कराने के लिए पूरी तरह से अलर्ट रही जिले की पुलिस। बकरीद का त्योहार सकुशल हुआ संपन्न। एसपी सिटी ने कहा, सभी के सहयोग से सकुशल संपन्न कराया गया बकरीद का पर्व। ईद उल अजहा बकरीद पर्व पर जनपद में ट्रैफिक विभाग द्वारा रूट का रहा डायवर्जन। रूट डायवर्जन का कड़ाई से करवाया गया पालन। डायवर्जन रूट के निर्धारित मार्ग पर ही गाड़ियों का हुआ संचालन। चार अप्रैल को लूट व अन्य घटनाओं में वांछित 25,000 के इनामी अभियुक्त को कैंट व सर्विलांस सेल की संयुक्त टीम ने किया गिरफ्तार। एक तमंचा, दो जिंदा कारतूस किया बरामद। एसपी सिटी ने किया खुलासा। दुष्कर्म के आरोप में वांछित एक अभियुक्त सूरज कुमार को शाहपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। सेवा भारती गोरक्ष प्रांत की प्रांतीय बैठक प्रांतीय उपाध्यक्ष विष्णु गोयल की अध्यक्षता में सकुशल हुई संपन्न। कहा, 2025 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूरे होंगे 100 साल। 2025 तक गोरक्ष प्रांत में 1,000 सेवा केंद्र खोलने का है लक्ष्य। और एक निजी संस्थान के द्वारा सिविल लाइन्स स्थित एक निजी हॉल में रक्तदान शिविर का किया गया आयोजन। नागरिकों ने अपनी स्वेच्छा से रक्तदान में बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा, किया रक्तदान। अब मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।